बंटवारा, इधर उधर में घूमना जब आवाज लगे तो ये नहीं मिले, पैदल जाने की कोशिश मत करना, बीमार हो जाओ, बहुत धूप है, लोग बीमार हो जाते हैं, हिम्मत तो कर लेते हैं, वो नजदीक नहीं है, आज नहीं पहुंचो कल पहुंच जाओ, एक दिन का ही तो फर्क पड़ेगा, यहाँ रेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है। आई एम राइट नाउ ऑन द यूपी 8 फ्लाईओवर एट द बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, एंड एज यू कैन सी दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हियर, दीज आर ऑल माइग्रेंट वर्कर्स हु ऑल जस्ट वांट टू बी एबल टू गो होम. And this means different states, different destinations, different locations. But of course, the goal is the same. The spirit to continue to struggle despite all odds is the same. And I am here with people who want to go to West Bengal, and they have even procured a permit from the West Bengal government. But right now, they're struggling to find a car to take them, and of course, the expenses involved. सर आपका नाम बताइए. उत्पल मंडल. अच्छा, और आप क्या करते थे? यार लेबर. लेबर, आप सब लेबर? अच्छा, तो और आप सबको वेस्ट बंगाल जाना है? अच्छा, तो क्या परेशानी हो रही है अभी तक? आप यहाँ पे इस ब्रिज के अंदर आप कितने टाइम से हैं? सुबह आया था. आज सुबह आप सब आज सुबह आए हो यहाँ पे? सब आज सुबह आए हो? अच्छा, तो क्या परेशानी, प्रॉब्लम क्या है? हम लोग घर जाना चाहता हूँ, इधर काम कम बंद हो गया है, खाने पीने में चाहे हम लोग का पास बना हुआ है, फिर भी हम लोग नहीं जा सकता है. हम लोग तो आप क्यों नहीं जा पा रहे? आपका नाम बताइए सर. अच्छा, तो आप क्यों नहीं जा पा रहे? हम लोग जान चला हूँ, घर में बाल बच्चे फैमिली परेशान हो रहा है, हम लोग को कोई जुगाड़ ना मिल रहा, घर जाने के घर कैसे जाऊँगा, हम लोग को तो पैदल निकालो गाड़ी, रास्ते रुपये की व्यवस्था हो ही जाएगा. नहीं तो आपके आपके पास परमिट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, तो आप अभी भी क्यों नहीं जा पा रहे? और गाड़ी के लिए कॉल किया था तो वो बोल रहा था जो 50,000 पैसे लगाओ, मालिक बोल रहा था 50,000, अगर हम पैसा लगा देता हूँ, अगर नहीं आएगा पास तो क्या, हम लोग तो फिर भी बेबस हो जाऊँगा ना, इसलिए हम पैसा नहीं लगाया हूँ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि चलो भाई पैदल सब निकल जाएंगे. अच्छा, तो वो आप चाह रहे हैं कि वो आने से पहले आप उनको पैसा दे दें? वो चाह रहा है. अच्छा, आने से पहले पैसा दे दो फिर जाएंगे, अगर हम लोग पैसा दे दो, अगर नहीं आएगा तो हम लोग फंस जाएगा ना. अच्छा, तो आपने पुलिस से बात करी है? पुलिस से भी बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा है भाई हम नहीं जानते, पैसा मत लगाओ, अगर जो होना है तुम समझ लेना, हमको मालूम नहीं है, हम नहीं जानते हैं. पुलिस क्या कह रही है? हम लोग डीएमपी ऑफिस के आए हूँ कि साहब हम लोग घर जाना है, पासपोर्ट की जो हम लोग कोई जुगाड़ लगा तो करने का, थाने भी गया दो तीन बार, थाने वालों बोला है, पुलिस के थाने वालों को बोला नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, सारा चीज देखा नहीं, थाने हम लोग का सारे नहीं, हम लोग कहाँ जाऊँगा, थाने नहीं जाने देता है, पुलिस से बोलता है भाई हटो हटो भागो, ऐसे हाथ दिखा देता है, कुछ नहीं होगा, इधर भागो. तो आपके पास जो परमिट है वो दिखा सकते हैं एक बार कैमरा को? कैमरा की तरफ दिखाइए. तो इनमें आप सबके नाम है? सबके नाम. और जो गाड़ी का जो डिटेल्स है इसमें, वो गाड़ी वाला कह रहा है कि आप पहले पैसा दो फिर हम आएंगे. और आपको लगता है कि वो पैसा लेके अगर भाग गया नहीं आया? अच्छा, और पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पा रहे? सो दीज पीपल दे फॉलोड ऑल द प्रोटोकॉल्स, दे हैव द मीन्स टू गो होम, एंड गेट they somehow are stuck without a way, and here you can see all their belongings are here and food as well. Didi, aapka naam kya hai? Purav Mandal. Acha, to aap bhi in sab ke sath hai, ab West Bengal jana chahte hai? Main ghar aaya hota hu, mera tera bachche rota hai, mera ghar pe main hi aa rota hu. Abhi bachche chhod ke main ghar pe aaya hu. Aapke ghar mein teen bachche hain? Haan. Acha. Gaadi nahi mil raha, ja nahi sakte hain. Paisa to bhi utna hai nahi, mera hum log ka saath. रास्ता वास्ता भटकते हो, क्या करेंगे, तीन बच्चे सो घर में रोता है, बच्चे रोता है, हम यहाँ रोते हैं. तो आप दिल्ली क्यों आए? दिल्ली आए कमाने के लिए, बच्चे छोड़ के क्या करेंगे, मजबूरी में कमाने पड़ता है, आया और बस लॉकडाउन हो गया, क्या करेंगे, फंस गया उनके. अच्छा, दो दिन हुआ है उनके फंस गया.
तो मतलब वेस्ट बंगाल में इतनी परेशानी हो रही थी पैसे की कि आपको बच्चों बोलता है कि गरीब को लेकर तो चला जाएंगे, गरीब को लेकर तो चला जाएंगे, बुलाए नहीं करी तो क्या करेंगे, पैदल चलने पर बच्चे घर पर होता है, कर नहीं सकते हैं। वेस्ट बंगाल तो बहुत दूर है, आप पैदल कैसे जा पाओगे? कैसे कुछ तरह तो जाना ही पड़ेगा, सरकार से कोई मदद लेना ही पड़ेगा। नहीं पैदल पैदल कैसे जाओगे, पैदल जाना वेस्ट बंगाल कोई सरकार तो पैदल निकल लेंगे तो कोई सरकार तो व्यवस्था कर ही देगा ना, इसीलिए पैदल भर आ गया। वहाँ पे मकान पे निकाल दिया, खाने की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? मकान से निकाल दिया किराए के वजह से? किराया। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने साथ है अभी? अब मेरे सास के है, बूढ़ी है, मेरा सास उसी के पास है, बच्चा रोता है। अच्छा, तीन बच्चे हैं मेरे। आप यहाँ पे अपने पति के साथ आए हो? मैं पति के साथ। अच्छा, तो अभी आप बस बच्चे को देखने के लिए घर जाना चाहते हैं? तो मतलब यहाँ पे क्या हालात इतने बुरे हैं कि आपको घर जाना ही है? जाना है, बच्चा घर पे रोता है ना, तो हम लोग को देखने के लिए बच्चा का वो रोता है, हम रोते हैं ये बच्चे को देखने के लिए, कौन जाने का ऐसा हो जाएगा ना, तो किस दिन भाग लेते हैं हम लोग। मतलब अब आपको कोई भरोसा नहीं है सरकार पे कि कब खुलेंगे, इसलिए आप अभी घर जाना चाहते हैं? इसीलिए तो बोलता लॉकडाउन बढ़ा के चला, दो महीना से बैठ के आज खुलेगा कल खुलेगा, ऐसे ऐसे करके हम लोग का कुछ नहीं होता। आप जहाँ पे रहते थे वहाँ से निकाल दिया आपको? हाँ, वहाँ से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? निकाल दिया कि आप किराया नहीं दे सकते हैं, पैसे नहीं है हम लोग के पास, किराया कहाँ से भरेंगे आप? हाँ, वाली के रास्ते तो निकल यहाँ से, किराया नहीं भरेगा तो सरकार ने तो कहा था कि किराया देना मतलब किराए के लिए फोर्स नहीं कर सकते आपको, तो आपको ये बात पता है? तो आप अब घर जाना चाहते हो? हाँ, हम लोग घर जाना चाहते। तो आपका पति कौन है? सर, यहाँ पे एज यू कैन सी दे हैव ऑल देयर लगेज, दे हैव फूड एज वेल। सर आप बताओ आप घर क्यों जाना चाहते हो? घर जा रहा हूँ, खाने पीने पैसे नहीं मिल रहे हैं तो दिक्कत होता है, बस छेड़ा बच्चा रो रहा है घर पे, दो महीना से हो गया, दो महीने ऐसे करके कैसे रहेंगे यार। आपको घर से भी निकाल दिया? हाँ, निकाल लिया है, हम लोग बाहर हो गया, खुद खाने का पैसे नहीं मिल रहा, क्या करें। तो आपका मतलब सरकार ने जो कहा है कि आप जब आप सब जहाँ हो आप वहीं पे रहो, आपका सारा साधन वहीं पे सारे इंतजाम करा जाएगा। दो महीने से बोल रहा है कि मिलेगा मिलेगा, कहाँ एक भी नहीं मिल रहा है इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, भूखे प्यासे रोटे पे पड़ते रहेंगे, हम लोग जाते रहेंगे, मिलेगा कोई गाड़ी मिलेगा चढ़ जाएंगे, नहीं तो आप पैदल पैदल जाते रहेंगे। तो पैदल पैदल जाते रहेंगे, तो आप सबने सब मिलके इकट्ठे 50,000 आपने इकट्ठे करा है, पर आपको डर है कि ये आपकी सारी जो बची कुची पैसे है ये आप खो देंगे अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया? अच्छा, तो अब कोई और गाड़ी ढूंढने की कोशिश है? नहीं, हमारे पास गाड़ी भी तो हम लोग का तलाश नहीं है, पुलिस वालों का भी बोला हूँ, बोला नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकता, तो हम तो विदेशी बंदा हूँ, तो कहाँ से बैठा हूँ मैं, कहाँ से, हमको तो जानकारी है नहीं। और वेबसाइट में जो देता है तो अभी देखा हूँ सबको टिकट बुक है मगर गाड़ी नहीं चल रहा है, वो पैसा तो चला गया, तो अगर हम उस पर वो वैसे हम लोग का भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, मतलब आपको पता है कि दूसरे लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया है फिर वो खो दिए, मतलब गाड़ी नहीं आया? अच्छा, तो as you can see these people they have really tried everything, they have followed all the regulations and rules and they're trying to do everything by the book and still somehow they're stuck here without a way out. The police of course is trying to reassure them, I've seen that myself, and they're providing water and food and all of those things here under this bridge which has so many right now all looking for a way home just to cross and go across this border, but they're stuck, many with no answers about how they're supposed to go forward. This is Shritabha Mukherjee for Mojo.